मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर मतदाताओं का आभार जताया है। चुनाव परिणामों के बाद शिमला में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस जीत से स्पष्ट है कि जनता ने कांग्रेस सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों पर मोहर लगाई है। महापौर और उप महापौर के चयन को लेकर पूछे गए एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ विचार विमर्श के बाद एक कमेटी का गठन कर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। मैं शिमला की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि शिमला की जनता ने 5 महीने हमारी सरकार को बने हुए अभी तक हुए हैं और हमें जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीटें हमें दी है और मुझे खुशी इस बात की भी है। ये चुनाव जो अभी हुआ वो हाथ के निशान पर हुआ था, चुनाव चिन्ह के निशान पर हुआ था। पिछले चुनाव थे वो चुनाव चिन्ह पर नहीं हुए थे। तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस ने पार्टी के कार्यक्रम और हमारी सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके पक्ष में मतदान किया दिया है। मैं शिमला की जनता का, नगर निगम में रहने वाले सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर ये भी मेरा मानना है कि हम 10 साल बाद शिमला में कांग्रेस पार्टी की नगर निगम को बनाएंगे। हम अपनी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से चर्चा करने के बाद अपने एक जो हमारे सीनियर लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाएंगे और उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हिमाचल की जनता है, क्योंकि शिमला कॉरपोरेशन एक ना मिनी हिमाचल है, इस चुनाव का मकसद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो समाज की भलाई के और अच्छे कार्य कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से मैं एक बार फिर से शिमला की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी चुनाव में पार्टी की जीत के लिए शिमला के मतदाताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस ने नगर निगम व पालमपुर उपचुनाव में भी जीत दर्ज की है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस को मिल रहे जन समर्थन से स्पष्ट है कि पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस जीत का सिलसिला जारी रखेगी।